उत्तर पश्चिम में रसोईघर के लिए वास्तु उपचार विस्तृत जानकारी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की रसोई का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्तर पश्चिम दिशा को वायु कोण कहा जाता है और यहाँ रसोई होने से कुछ वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि कुछ सरल उपायों से इन दोषों को कम किया जा सकता है। उत्तर पश्चिम में रसोई होने के संभावित दोष: स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पाचन संबंधी समस्याएं, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। धन हानि: आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और धन का व्यय बढ़ सकता है। पारिवारिक कलह: परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और तनाव बढ़ सकता है। उत्तर पश्चिम में रसोई के लिए वास्तु उपचार: 1. अग्नि तत्व का संतुलन। चूल्हे को दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। रसोई में लाल रंग का उपयोग करें। रसोई में तांबे के बर्तन रखें। 2. वायु तत्व का संतुलन। रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखें। खिड़कियों को हमेशा खुला रखें ताकि हवा का प्रवाह अच्छा रहे। पौधे लगाएं। 3. पानी का प्रबंधन। सिंक को उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रखें। पानी के रिसाव को तुरंत ठीक करवाएं। 4. अन्य उपाय: रसोई में भारी सामान न रखें। रसोई में टूटा हुआ सामान न रखें। रसोई में धार्मिक चित्र या मूर्तियां न रखें। रसोई में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। अतिरिक्त सुझाव: वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें। यदि आप इन उपायों को करने के बाद भी समस्याएं बनी रहती हैं, तो किसी अनुभवी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। नियमित रूप से पूजा करें। रसोई में नियमित रूप से दीपक जलाएं और भगवान का पूजन करें। सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। सकारात्मक मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। ध्यान दें, वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है और इसके सिद्धांतों का पालन करने से जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। अस्वीकरण: ये जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है और किसी भी तरह से पेशेवर सलाह नहीं है। किसी भी वास्तु संबंधी समस्या के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। क्या आप उत्तर पश्चिम में रसोई के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं?